Bismillahir Rahmanir Rahim. We are discussing in this two-part series the English papers of CSS 2023. In this part, I am discussing the Pressy and Composition paper of 2023. The Pressy of something like 380 words was एक इसके अंदर बहुत एडवांटेज जो नज़र आया वो ये था कि मॉडर्न इंग्लिश थी और आम तौर पे प्रेसी के ऊपर जो स्टूडेंट्स फंस जाया करते हैं फिलोसॉफिकल इंग्लिश में या कुछ इस तरह के मुश्किल वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं कि स्टूडेंट्स गेट स्टक ऑन दैट एक्सक्यूज मी और कम अज़ कम ये मॉडर्न इंग्लिश होने का ये फ़ायदा था कि इसमें स्टूडेंट्स को कोई इस तरह की मुश्किल चीज़ जो थी एक सिर्फ रसोइज़म के ऊपर लोग बड़े हैरान हो रहे थे कि ये क्या है तो ज़ाहिर है रसू है उसकी जो जो व्यूज़ हैं उसके ऊपर रसूइज़म कहलाएगा शुरू में ही थ्री मेन स्कूल्स ऑफ थॉट कहने से उसने इस राइटर ऑफ दिस प्रेसी पैसेज ने ये डिफ़ाइन कर दिया था कि इसके थ्री पार्ट्स में सो सेगमेंटेशन मेथड जो मैं अक्सर स्टूडेंट को प्रिपेयर करवाया करता हूँ वो बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर अप्लाई होता था कि आप पहले एक पार्ट फिर उसके बाद दूसरा और फिर उसका तीसरा पार्ट और अगर साथ साथ उसकी सेगमेंट्स की प्रेसी करते जाएं जैसे बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हम लोगों ने ये मेथड बहुत तफसील से डिस्कस किया था नोआ में जो टेस्ट सीरीज़ हुई आखिर में नवंबर और दिसंबर में उसमें स्टूडेंट्स ने ये अच्छे तरीके से इसको दे लर्नड इट एंड दे प्रैक्टिस्ड इट क्वाइट वेल और अब उनकी रिपोर्ट्स जो वो बता रहे हैं कि उन्होंने उसको बड़े अच्छे तरीके से इसमें इस्तेमाल किया सो सेगमेंटेशन मेथड का फ़ायदा ये हुआ कि ये पैसेज के डिफरेंट पार्ट्स करने से इसकी वो मेन आइडिया जो कि वंस अगेन एज आई कीप ऑन सेइंग कि अब जो प्रेसी है 2019 ऑनवर्ड सीएसएस के अंदर उसमें मेन आइडिया हमेशा इंतहाई स्कैटर्ड होगा आपको किसी एक जगह पे तो आपको वो इन्फ्रेंस के ज़रिए जो है वो निकालना पड़ेगा जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी सारे लोग जो हैं पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ इनको प्रॉब्लम पेश आती है पूरे और वो बार बार पढ़ते हैं प्रेसी उसको डिस्टर्ब वो दे आर बैफल्ड बाय द एब्सेंस ऑफ अ सेंट्रल आइडिया देर इज़ अ सेंट्रल आइडिया ऑफ कोर्स बट इट इज़ स्कैटर्ड थ्रू आउट द पैसेज सो प्रेसी जैसे कि काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन होती रहती है कि इसको वन थर्ड जो है वो करना होता है ऑल दो इट इज़ नॉट मैंशनड कहना नहीं होता टाइटल जहाँ तक ताल्लुक है वो मिनिमम 3 to 4 वर्ड से ऊपर होगा कमेंट नहीं होना चाहिए टाइटल जो है वो इसके ऊपर इसकी जो फ्रीडम है उसकी एजुकेशन की और फ्री विल का जो जिक्र है उसके अंदर की वर्ड ज़रूर होने चाहिए पैसेज के तो ये वाला इसकी प्रेसी जिन लोगों ने सेगमेंटेशन मेथड से सीखा हुआ था उनके लिए काफ़ी आसान साबित हुई एंड दे वर एबल टू डू इट क्वाइट क्विकली नेक्स्ट इज़ दी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो देखने में तो काफ़ी जो है वो लेंथी नज़र आता है यहाँ पे और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के हमेशा जो चीज़ एडवाइस की है स्टूडेंट्स को कि इसके क्वेश्चंस को पहले पढ़ने की कोशिश ना करें और इस दफ़ा शुक्र है कि वो क्वेश्चंस जो थे वो अगले पेज पे थे जिससे फोकस करने का मौका मिलता है पैसेज के ऊपर पहले पैसेज को अंडरस्टैंड करें और ये वाला जो था वो लाइफ की क्वालिटी के ऊपर लाइफ सिंप्लिसिटी के ऊपर और इसके अंदर भी एक मॉडर्न टेक्स्ट जो था वो पिक किया इस दफ़ा एग्जामिनर ने और मॉडर्न टेक्स्ट का ज़रा थोड़ा सा एडवांटेज ये होता है कि स्टूडेंट्स आर एबल टू रिलेट विद इट क्योंकि कॉन्सेप्ट्स इस तरह के होते हैं कि जो आजकल के ज़माने में फॉर एग्जांपल हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स का जिक्र आया है और इस तरह से बाकी जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं उनका जिक्र आ रहा होता है उसके बाद द थ्री आर्स यानी आजकल वेरी मच करंट है रिड्यूस रिसाइकल एंड रीयूज ये सारी चीज़ें इसके अंदर नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इसके ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चंस हमेशा इन्फ्रेंस क्वेश्चंस होते हैं और रेफरेंस क्वेश्चंस होते हैं रेफरेंस क्वेश्चंस वो हैं जिनका आंसर तो टेक्स्ट में ढूंढा जा सकता है एंड यस लेकिन इन्फ्रेंस क्वेश्चंस वो हैं जिनका डायरेक्ट आंसर टेक्स्ट में नहीं होता ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम बनती है यहाँ पे इन क्वेश्चंस के अंदर बिकॉज दे कीप ऑन सेइंग सर इसका तो आंसर ही नहीं है इसके अंदर ये कहाँ से निकलेगा एग्जामिनर ने मतलब पैसेज के मुताबिक जो है वो एक वो टेक्स्ट ही नहीं दिया हुआ क्वेश्चन नहीं दिया हुआ नो इट्स नॉट लाइक दैट इट्स द इन्फ्रेंस क्वेश्चन और यहाँ पे भी हमें वही टू टेक्स्टुअल क्वेश्चन थ्री टेक्स्टुअल क्वेश्चन और टू इन्फ्रेंस क्वेश्चन एक मिक्स जो है वो नज़र आ रहा है इन दोनों के दरमियान स्टूडेंट्स जो मोस्ट
जो जो हाईली जो हाईएस्ट मार्किंग क्वेश्चन जो होता है इसके प्रेसी के पेपर में, वो हमेशा कॉम्प्रिहेंशन का है हमारे। हाँ, आम तौर पे ये तासुर पाकिस्तान में पाया जाता है कि जी प्रेसी में हाईएस्ट मार्क्स, जो पॉसिबली ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि प्रेसी के अंदर मैक्सिमम बड़े नंबर आएंगे तो 11 से 12, बहुत ज़बरदस्त किसी की होगी तो 13 हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी के 9-10 बस इतने मार्क्स होते हैं। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा है जिसके अंदर आपके पास, मैं कहा करता हूँ कि छिक्का लगाने की चांसेस मौजूद होते हैं, बिकॉज दीज आर ब्रोकन नंबर्स। 15 आप इसके मार्क्स स्कोर हासिल कर सकते हैं क्योंकि 5 क्वेश्चंस हैं, 3-3 जो हैं इसके अंदर वो किए जा सकते हैं। आई होप यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग मी कि मैं ये 10 मिनट में प्रेसी भी करके दिखाऊंगा और कॉम्प्रिहेंशन भी करके दिखाऊंगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मैं सिर्फ इसके ऊपर कमेंट कर सकता हूँ और चनाचे हमेशा इसका आंसर जो है वो टेक्स्ट बेस्ड नहीं है, और इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे इस तरीके से आए हुए हैं कि जिनको 3 सेंटेंस मेथड पे उसको जो है वो सॉल्व किया जा सकता था। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि जी हमने आराम से पहला सेंटेंस व्हाट इज़ द टॉपिक अबाउट, सेकंड सेंटेंस में दी सब्सटेंस ऑफ द आंसर, और थर्ड सेंटेंस जो है उसके अंदर उसको वाइंडिंग अप सेंटेंस जो है वो लिखा, एंड आई एम श्योर दैट दिस विल गिव देम गुड मार्क्स इंशाल्लाह। करेक्शन यू आर सपोज टू डू 5-10 मार्क्स जैसे हमेशा हुआ करता है करेक्शन में। बाज़ औक़ात एक सेंटेंस के अंदर जो है वो दो दो गलतियां भी हो सकती हैं। सॉल्यूशन मैं अब इस वक्त नहीं इसका जो है वो ऑफ़र करूंगा आपको, बिकॉज उसके लिए एक अलग सेटिंग चाहिए जिसके अंदर 7 बंदा उसकी सॉल्यूशन जो है उसको ग्रामर साथ जस्टिफाई भी कर सके कि ये किस वजह से इसका ये वाला जवाब आता है। पंक्चुएशन जो है ये 5 मार्क्स, और उसके बाद री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पंक्चुएशन के ऊपर अब ये फोकस आपको अपना जो है वो ज़रा आप स्टूडेंट्स को पंक्चुएशन के ऊपर लेके आने की ज़रूरत है, क्योंकि पंक्चुएशन ना सिर्फ ये कि यहाँ पे 5 नंबर का है बल्कि सारी इंग्लिश ही पंक्चुएशन पे डिपेंड करती है। पंक्चुएशन अच्छी अगर है आपकी तो प्रेसी के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हर तरह की राइटिंग, तमाम गुड इंग्लिश एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन गुड पंक्चुएशन। सो यहाँ पे जो है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इट वॉज हैविली पंक्चुएटेड पैसेज, और चूंकि ये एनेक्डोट है सो एनेक्डोट्स आम तौर पे बहुत थोड़े वर्ड्स में ज़्यादा बात को जो है वो करना होता है, तो उस वजह से उसके अंदर इट वाज अ हैवीली पंक्चुएटेड पैसेज। रीराइट द फॉलोइंग ओनली 5 प्रपोजिशंस जो थी उसके अंदर उसी तरीके से 5, लेकिन जो अजीब चीज़ नज़र आ रही है मुझे वो 5 pair of words। लास्ट ईयर भी इसके अंदर 10 मार्क्स थे और इस दफ़ा भी 10 मार्क्स का है। आम तौर पे जो है ये सिर्फ 5 मार्क्स के हुआ करते थे, एंड देर इज़ समथिंग स्ट्रेंज दैट देर आर नो idioms। हालांकि स्टूडेंट्स बेचारे idioms याद कर करके थक जाते हैं 5 मार्क्स के लिए, बट देर इज़ नो क्वेश्चन ऑन idioms दिस टाइम। मोस्ट प्रोबेबली उसकी रीज़न ये होती है कि प्योर वर्ड्स तो फिर भी उनकी यूजेज ज़्यादा है आम लैंग्वेज के अंदर बनिस्बत idioms के, और सो 10 मार्क्स उसके प्योर वर्ड्स जो हैं उनके मार्क्स का, दोनों सेंटेंसेस अगर आप जो लिख रहे हैं प्योर वर्ड्स के दोनों का करेक्ट होने पे उसका उसके मार्क्स मिलते हैं। सो ये अच्छा हुआ कि आपके दो दो सेंटेंस, मेहनत इस पे बहुत ज़्यादा पड़ती है ये प्योर वर्ड्स पे, और मार्क्स थोड़े हुआ करते थे। सो इस दफ़ा इसके ऊपर ज़्यादा मार्क्स लेने की गुंजाइश जो है मौजूद है। द ट्रांसलेशन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ये जो साथ लिखा होता है फिगरेटिव और idiomatic एक्सप्रेशन, यहाँ पे इसकी गुंजाइश मौजूद थी कि पैसेज उर्दू में अपने असलूब के मुताबिक, उसकी अपनी जो फिगरेटिव लैंग्वेज है उसके मुताबिक लिखा गया है, अपने idiom उर्दू के idiom के मुताबिक है, और इंग्लिश में फिर उसको इंग्लिश के idiom के मुताबिक लेके जाना, इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ख़ास तौर पर यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इस पैसेज में, इस इंग्लिश के ट्रांसलेशन के पैसेज में, वो पंक्चुएशन थी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने उसको चलाया है, बुजुर्गों ने बताया कि जंगल के पार एक पहाड़ है जहां वो फूल उगता है। अब यहां पे कोई पंक्चुएशन नहीं है, लेकिन जब इंग्लिश में हम लिख रहे हैं तो डेफिनेटली यहां पे कॉमास आ रहे हैं, जिसकी खुशबू से आंखों की खोई हुई रोशनी लौट आती है, बताया लौट आती है। अब यहां पे हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पैसिव वॉइस में भी जाना पड़ेगा, और इसके बाद आगे
वर्ड्स वैसे तो सिंपल हैं, चट्टाने, कांटेदार झाड़ियाँ और पत्थर, पहाड़ पर जाने के लिए कई लोग आए चले गए, फूल तक पहुँचा हो, दुनिया दुख तकलीफ इंसान रोशनी, कम अज़ कम उस तरह का पैसेज नहीं है जिस तरह से 2021 में गालबन इस्तेमारियत से स्टार्ट हुआ था और शुरू में ही उसने स्टूडेंट्स को जो है तो परेशान कर दिया था, कैंडिडेट्स को. सो इस लिहाज से अगर पेपर देखा जाए, आई नेवर से कि जी ये पेपर आसान था या मुश्किल था, लेकिन पैसेज कम अज़ कम प्रेसी में, कॉम्प्रिहेंशन में और ट्रांसलेशन में एक ईजी रीडेबिलिटी और ईजी अंडरस्टैंडिंग वाले थे, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को कम अज़ कम जागन में या किसी उसमें किसी ऐसी वोकेबलरी में नहीं फंसाया गया जिसके अंदर उनको प्रॉब्लम पेश आए उसको अंडरस्टैंड करने में. वही बात कि जैसे ऐसे का पेपर है और ये वाला प्रेसी का पेपर, ये सारी बात क्रिटिकल थिंकिंग की है. ये क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग वाले पेपर्स हैं और अगर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप्ड है तो ये ना समझें कि क्रिटिकल या एनालिटिकल थिंकिंग सिर्फ और सिर्फ ऐसे में चाहिए, ये हर चीज़ में चाहिए. क्रिटिकल एनालिसिस जो है, अब क्रिटिकल थिंकिंग जो है, आप समझें कि जी ये एक अलग चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे में चाहिए, तो ऐसा नहीं है. द होल CSS डिपेंड्स ऑन दैट. इस पेपर सारे में ये नज़र आ रहा है कि जिन लोगों का क्रिटिकल थिंकिंग की प्रैक्टिस है या जिनकी क्रिटिकल थिंकिंग है प्रैक्टिस एनालिटिकल अच्छा फंक्शनल है, दे वुड हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट एज वेल एंड दे वुड हैव बीन एबल टू सॉल्व द पेपर वेल एज वेल. लेकिन जो लोग सिर्फ और सिर्फ रूल्स के मुताबिक कि जी प्रेसी इन रूल्स के मुताबिक और कॉम्प्रिहेंशन इन रूल्स के मुताबिक या ट्रांसलेशन इन रूल्स के मुताबिक सिर्फ करनी है और वो समझते हैं कि ग्रामर और इंग्लिश सिर्फ रूल्स पर डिपेंड करती है, वो इस पेपर में शायद उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम पेश आए. वेयर एज इट इज़ द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जो क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू समझ आती है जिस चीज़ की. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड दिस कम्प्लीट्स माई एनालिसिस ऑफ दिस प्रेसी पेपर एज वेल. थैंक यू.